बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। 50% स्टाफ को अब घर से काम करने का आदेश दिया गया है। कर्मचारियों के ऑफिस आने के समय में भी बदलाव किया गया है। तो गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण पर बेहद सनसनीखेज खुलासा, सिर्फ एक मिनट में, 60 सेकंड में फैल रहा है कोरोना। मरीज के संपर्क में सिर्फ एक मिनट रहने से हो जा रहा है कोरोना संक्रमण। एक अहम खबर अपने दर्शकों को और बता दें, कोरोना के भयावह हालात पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा है ये भी आप जान लीजिए। कोरोना की चुनौतियों से हम मिलकर लड़ेंगे, ये आश्वासन दिलाया गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। चुनौती कितनी भी बड़ी हो उसे अवसर में बदला जाएगा। पर MHA की बड़ी बैठक होने जा रही है, यूपी और छत्तीसगढ़ में बेकाबू हालात पर MHA की बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला कोरोना के हालात पर करेंगे बैठक। दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर ये मीटिंग की जाएगी। तीसरी और चौथी लहर भी आ सकती है ये बताया गया है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 10 से 15 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। ये सबसे अहम बात जो आज एम्स के डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बातचीत में रखी है। बढ़ते केसेस के कारण हमें और ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि नया स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट को भी जो मात दे रहा है वो निश्चित तौर पर हम सबके सामने एक और नई और बड़ी समस्या है। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी वायरस के जद में आ रहे हैं फेफड़े, ये बताया जा रहा है। बुखार, खांसी, सांस फूलने जैसी परेशानी के बाद भी नेगेटिव आ रही है RT-PCR रिपोर्ट। और जब डॉक्टर्स CT स्कैन करते हैं तो मरीज पॉजिटिव आता है। चंद दिन में मरीज को गंभीर बना रहा है कोरोना का ये नया स्ट्रेन। एक्सपर्ट्स की राय है कि लक्षण होने पर कराना चाहिए RT-PCR टेस्ट। और लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट कई बार नेगेटिव आ रही है।